स्टूडेंट बीसी फाइनल ईयर का एक जो बुक है हमारे अणु जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, इसका हम टॉपिक ले रहे हैं आज। कुछ वीडियो हमने पिछले वीडियो में देखा था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो, और बीएससी जूलॉजी और बॉटनी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें चैनल को। तो एक जीन की परम सूक्ष्म संरचना, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं रिकॉन, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है रिकॉन किसे कहते हैं, रिकॉन क्या है। तो रिकॉन पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन की सूक्ष्मतम इकाई है, और तथा डीएनए अणु में संलग्नित न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी इनकी न्यूनतम अभिव्यक्ति है। इनकी न्यूनतम जो अभिव्यक्ति है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी। फिर सूक्ष्मतम रिकॉन न्यूक्लियोटाइडों के एक युगल द्वारा निरूपित हो सकता है, जो सूक्ष्मतम रिकॉन है वो न्यूक्लियोटाइडों के एक युगल द्वारा निरूपित होता है, एक युगल इसको प्रदर्शित करता है। फिर म्यूटॉन, तो म्यूटॉन डीएनए की एक ऐसी लघुतम इकाई है जिसमें किसी ये छोटी सी लघुतम इकाई है जिसमें किसी परिवर्तन के फलस्वरूप उत्परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन के फलस्वरूप उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है, तो वो क्या हो गया, म्यूटोन हो गया, म्यूटेशन से म्यूटोन याद रख लेना। फिर न्यूक्लियोटाइड्स युगल में होने वाला परिवर्तन इसके न्यूनतम अभिव्यक्ति को निरूपित करता है, इसकी न्यूनतम अभिव्यक्ति है कि न्यूक्लियोटाइड्स युगल में परिवर्तन होगा। फिर है सिस्ट्रोन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है सिस्ट्रोन क्या, यह डीएनए का वह सबसे बड़ा भाग है जो क्रियात्मक इकाई को प्रदर्शित करता है, यह क्रियात्मक इकाई को प्रदर्शित करता है सिस्ट्रोन। तो ये डीएनए का ऐसा भाग है जो क्रियात्मक इकाई को प्रदर्शित करता है, याद रखेंगे कौन है, सिस्ट्रोन, क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रोन। यह स्वयं कुछ म्यूटोन्स का बना होता है, अब सिस्ट्रोन खुद किसका बना होता है, म्यूटोन्स का बना होता है, याद रखेंगे। कई सिस्ट्रोन मिलकर एक जीन की रचना करते हैं, अब कई सिस्ट्रोन मिलकर एक जीन की क्या करते हैं, रचना करते हैं। जैसे इचिरिचे कोलाई में ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज उत्पन्न करने वाले जीनों में दो सिस्ट्रोन ए तथा बी भाग लेते हैं, इनमें से प्रत्येक एंजाइम की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है, अतः एक सिस्ट्रोन में न्यूक्लियोटाइड्स की कम से कम संख्या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में उपस्थित अमीनो अम्लों की कुल संख्या के 3 गुना होनी चाहिए। फिर है कॉम्प्लॉन, कॉम्प्लॉन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो कई अब सिस्ट्रोन के स्थान पर कॉम्प्लॉन का प्रयोग किया जाने लगा है, जो अनुपूरकता की एक इकाई है, इसके जगह सिस्ट्रोन की जगह कॉम्प्लॉन का यूज करते हैं। कुछ एंजाइम दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं, अतः इनके सक्रिय समूह एक दूसरे के पूरक होते हैं, सक्रिय समूह एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या न्यूनता की पूर्ति अनुपूरक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा हो जाती है, एक के दूसरे के पूरक अनुपूरक हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं यूज हो जाती है। तो फिर है ओपेरोन, ओपेरोन क्या है, ये भी पूछा जाता है। ओपेरोन वह क्रियात्मक इकाई है जो संरचनात्मक जीन, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन तथा ऑपरेटर जीन द्वारा प्रदर्शित होती है। ऑपरेटर जीन या जीन्स संरचनात्मक जीन डीएनए द्वारा भेजी जाने वाली आनुवंशिक सूचनाओं के प्रभाव को परिवर्तित कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, ओपेरोन करते हैं। फिर लास्ट है रेप्लिकॉन, रेप्लिकॉन पुनरावृत्ति की इकाई है तथा इनकी एक बड़ी संख्या मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करती है, तो रेप्लिकॉन पुनरावृत्ति की इकाई होती है, ये ध्यान रखेंगे, रेप्लिकॉन पुनरावृत्ति की क्या है, इकाई है, और इनकी एक बड़ी संख्या मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करती है। फिर ये आगे कुछ ऐसे दे रखा है, तो इसमें अनुवांशिक क्षेत्र उत्परिवर्तन और पुनर्योजन की बहुत बड़ी सी इकाइयों का बना होता है, जिन्हें रिकॉन, म्यूटॉन, कोडोन इत्यादि में विभाजित किया जा सकता है, यही जीन की आधुनिक परिकल्पना को प्रदर्शित करता है। मेन जो था सिस्ट्रोन, कॉम्प्लॉन, ओपेरोन, रेप्लिकॉन, म्यूटॉन और रिकॉन, ये हमने पढ़ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।